हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना पाइस के रेडर के बारे में। आखिर कैसे इस बार की पटना पाइस के रेडर, तो हम आज के इस वीडियो में आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे पटना के सारे रेडर को, आखिर कौन कौन से पटना के पास रेडर है और क्या इस बार पिछले साल और अच्छा है, पिछले साल के मुकाबले से इस बार अच्छा है या खराब रेडर, तो हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं। प्रो कबड्डी सीजन 7 20 जुलाई से स्टार्ट होने वाले और कुछ कुछ विदेशी प्लेयर इंडिया में आ चुके हैं। जी दोस्तों, कुछ कुछ आ चुके हैं और अभी कुछ आने के बाकी हैं, तो देखते हैं कब तक सभी प्लेयर आते हैं इंडिया में। और सुरेंद्र नड्डा अभी तक पटना पाइस में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक पटना पाइस में नहीं है, अभी तक वो अपने काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ सुरेंद्र नड्डा का फोटो है जो आज ही सुरेंद्र नड्डा ने पोस्ट किया, जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जो अभी आप फोटो देख रहे हैं, ये सुरेंद्र नड्डा का कैंप का है। जी हाँ दोस्तों, कैंप का है जहाँ पर वो काम करते हैं। कब तक आते हैं सुरेंद्र नड्डा पटना में प्रैक्टिस करने के लिए, वो जल्द ही आने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी डेट नहीं पता वो कब तक आएंगे। कोई भी प्लेयर आएगा इंडिया में तो मैं आपको नाम बता दूंगा कौन से प्लेयर इंडिया में आए। सभी खबरें जानने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं पटना पाइस की रेडर, आखिर कैसे इस बार की पटना पाइस की रेडर। इस बार पटना के पास 7 रेडर हैं। जी हाँ दोस्तों, 7 रेडर। मैं ऑलराउंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रेडर की बात कर रहा हूँ, जो कि पटना के पास 7 रेडर हैं। रेडर की लिस्ट में पहले नंबर पर है प्रदीप नरवाल और दूसरे नंबर पर है जैन कुल्ली और तीसरे नंबर पर है आशीष कुमार और चौथे नंबर पर है मोहित कुमार और पांचवें नंबर पर है मोहम्मद इस्माइल। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद इस्माइल। और जैसे पीकेएल शुरू होगा तो आप इस रेडर पर नजर रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये रेडर बहुत ही अच्छे इस बार खेलेंगे। और छठे नंबर पर है नवीन। जी हाँ दोस्तों, नवीन है छठे नंबर पर। और सातवें नंबर पर है पूर्णा सिंह। जी हाँ दोस्तों, सातवें नंबर पर है पूर्णा सिंह। यही है पटना के पास 7 रेडर। और बात करें इस बार पटना की रेडर, तो इस बार पटना की रेडर ठीक ठाक है, लेकिन पिछले साल से बहुत अच्छी है। पिछले साल उतने अच्छे रेडर हम लोग नहीं कर सकते पटना के पास। और सीजन 5 में पटना के पास बहुत ही अच्छे रेडर थे और सीजन 6 में बहुत ही ज्यादा खराब रेडर, लेकिन सीजन 7 में पटना ने बहुत ही अच्छा चेंजिंग किया, लेकिन इनके पास कवर बहुत ही खराब है। जी हाँ दोस्तों, कवर में इनका बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है इस बार। कवर में खिलाने के लिए इनके पास कोई भी अच्छे प्लेयर नहीं है, इसीलिए इन्हें कवर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इन्होंने अपना कवर सुधार लिया तो इस बार ये जरूरी चैंपियन बन जाएंगे।